पंजाबी नेशनल खबरां च आप सब नूं जी आया। मैं हां सवलीन कौर जसर ते हुण पेश ने अज दीआं मुख्य। कोरोना दा वध रिहा पसार, अंकड़ा 54 लाख तों उपर। पंजाब पुलिस हत्थ लगी वड्डी सफलता, अंतरराज्जी ग्रोह दा कीता पर्दाफाश। अनलॉक 4 विच भारत दे 10 सूबिआं ने स्कूल खोलण दा कीता फैसला। दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी ने पाकिस्तान दी एम्बेसी दे बाहर कीता रोस प्रदर्शन। ते हुण खबरां दा विस्तार। कोरोना दे लगातार वध रहे कहर दे मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर नूं 7 राज्यां दे मुख्यमंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं गलबात करनगे। इह 7 सूबे ओह ने जो कि महामारी नाल बुरी तरह चंबे होए ने। इन्हां राज्यां विच दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि शामिल ने। इन्हां राज्यां विच पिछले कुछ हफ्तियां विच कोरोना मामलों विच भारी इजाफा होया है। जेकर गल करिए भारत दी, तां भारत विच हुण कोरोना पीड़ितां दी गिनती नालों ज़्यादा ठीक होण वाले मरीज़ ने। रिकवरी दे मामले च भारत दुनिया च पहले नंबर ते आ। पिछले 24 घंटियां च 86,961 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए ने। 1130 लोगों की जान भी चली गई है। चंगी खबर यह है कि 24 घंटियां विच 93,356 मरीज ठीक होए ने। सेहत विभाग के ताज़ा अंकड़ों मुताबिक देश विच हुण कुल कोरोना पीड़ितों की गिनती 54,87,580 हो गई है। इन्हां विचों 87,882 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वायरस के एक्टिव मामलों की गिनती की तुलना में सेहतमंद हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुणा ज्यादा है। राहत की गल यह है कि मौत दर के एक्टिव केस रेट च लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस दे नाल ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 80% हो गई है। देश में सब तो ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र च ने। इस तो बाद दूजे नंबर से तमिलनाडु और तीजे नंबर से दिल्ली है। मरीजों के सेहतयाबी विच भारत मोहरी देश है, जबकि दूजे पासे मामलों की गिनती विच हौली हौली अमरीका भी पछाड़ता नजर आ रहा है। जेकर झात मारीए सूबे पंजाब वल, तां पंजाब च कोरोना वायरस के केसों की गिनती वध के 1 लाख के नेड़े पहुँच गई है। इस दे नाल ही कोरोना वायरस करके मौतों की गिनती भी वध गई है। पिछले 24 घंटों में 56 होर लोगों की मौत हो गई है। सूबे च मरन वाले की गिनती का अंकड़ा 2813 तक पहुंच गया है। सेहत विभाग अनुसार पिछले 24 घंटों में 2160 नवे मामले सामने आने नाल कोरोना पीड़ितों का अंकड़ा 97,699 तक अपड़ गया है। सूबे में इस समय 22,278 एक्टिव केस ने। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खेती बिलों नूं लैके आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हरसिमरत के अस्तीफे नूं सही करार दिंदिया खेती संबंधी बिलों से सवाल उठाए ने। उन्हों का आखना है कि इन्हों बिलों नूं पास करन तो पहला एक बार सारिया नाल विचार कर लेनी चाहिए है। हालांकि कुछ समा पहला बादल ने इन्हों बिलों नूं सही दस्या सी ते कांग्रेस से गुमराह करन दे दोष भी लगाए सन। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल का आखना है कि खेती बिल रद्द होण तक केंद्र नाल कोई भी गलबात नहीं की जाएगी। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नजायज़ हथियारों की तस्करी करने वाले अंतरराज्जी ग्रोह का पर्दाफाश किया है। यह गैंग बटाला, अमृतसर, पठानकोट ते फतेहगढ़ साहब तो सूबे भर च हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने इस मामले च ग्रोह के 7 मैंबरों नूं गिरफ्तार किया है अते उन्हां कोलों असले की खेप भी बरामद की है। इस ग्रोह के सारे मैंबर पंजाब के वख-वख शहरों तो नजायज़ हथियारों की सप्लाई का कारोबार चला रहे सन। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दसिया कि मुलजमान की पछाण सूरज कुमार, विजय कुमार, जोबनजीत सिंह, साहिल सैणी, अमृतपाल सिंह, केशन खेड़ा और हरमनदीप सिंह वजो हुई है। उन्होंने यह भी दसिया कि सूरज, जोबनजीत सिंह और केशन खेड़ा के खिलाफ पहला ही 2 अपराधिक मामले दर्ज ने और विजय कुमार खिलाफ 8 केस दर्ज ने। उन्होंने दसिया कि 9 सितंबर को पुलिस ने स्थानक ग्लोबल हस्पताल तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिनव मिश्रा के गोली लगन नाल जख्मी होने की सूचना मिली सी। इस बारे पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच शुरू की, जिस विच ए गल सामने आई कि सूरज नामी नौजवान ने नजायज़ हथियारों की वरतों करदियां अभिनव ते गोलियां चलाईयां सन। पुलिस ने सूरज नूं काबू किया, उस कोलों नजायज़ हथियारों बारे पूछ पड़ताल भी की, जिस विच पता लगा कि वह अभिनव नाल मिलकर पंजाब विच नजायज़ हथियारों ते असले की सप्लाई का काम करता है। यह हथियार वह मध्य प्रदेश के इंदौर तो लैके पंजाब विच पिछले कुछ समय तो सप्लाई कर रहा है। वह हुण तक कई लोगों नूं हथियार मुहैया करवा चुका है। झज्जर स्थित सूरज के घर तो पुलिस ने 4 पिस्तौल, कारतूस और 1 खोल बरामद किया है। इसे तरह 2 पिस्तौल और कारतूस जोबनजीत और अमृतपाल तो बरामद हुए हैं। 1 पिस्तौल और 2 कारतूस साहिल तो 1-1 पिस्तौल केशव, विजय कुमार और हरमनदीप सिंह तो बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुलजमा खिलाफ केस दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। खेती बिल 2020 राज्यसभा च भारी हंगामे के बावजूद भी पास हो गए। इस दे नाल ही पंजाब च किसानों का संघर्ष होर तेज हो गया है। इस दौरान गुरदासपुर तो भाजपा सांसद सनी देओल नूं गुरदासपुर के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पै रहा है। किसान बिल खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का आखना है कि सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ सीधा किसानों के सीने से वज्जिया है। गुरदासपुर के लोगों ने आख्या कि वह सनी देओल नूं हुण इत्थे वड़न नहीं देणगे।
इस दे नाल ही दस दईए कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने बटाला च गांधी चौंक च देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूकिया। उन्हें आख्या कि बिल पास करके मोदी सरकार ने किसानों नाल धोखा किया है। यह बिल किसान सुधार बिल नहीं सगो किसान विरोधी बिल ने जिस नाल किसानों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। दूजे पासे दलेर मेहंदी वालों किसान बिल का समर्थन करन ते किसानों विच भारी रोस देखण नूं मिल रहा है। किसानों का आखना है कि उसनूं खेती बारे कुछ नहीं पता अते पंजाब दे लोक दलेर मेहंदी नूं कदे भी माफ नहीं करनगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लापता पावन सरूपां दे मामले संबंधी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दी अगवाई हेठ अकाल कौंसल दे हाल विच वख-वख सिख जथेबंदियां विचकार मीटिंग हुई। मीटिंग मगरों गलबात करदिया इमान सिंह मान भाई गुरदीप सिंह बठिंडा जसकरन सिंह प्रोफेसर महिंदर सिंह ने दस्सिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लापता पावन सरूपां दा हिसाब मंगण लई 22 सितंबर नूं SGPC दे प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल दी रिहायश अगे शांतमई धरना शुरू कीता जाएगा जो कि 27 सितंबर तक चलेगा। इस मगरों 28 सितंबर नूं दरबार साहब अमृतसर विच SGPC दे बजट इजलास दा घिराओ भी कीता जाएगा। खेती बिलां नूं लै के इन्हीं दिनी पंजाब दी सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। पंजाब विच किसानां दा संघर्ष होर प्रचंड हो गया। इतिहास विच शायद यह पहली बार होया कि पंजाब दी हर धिर किसान संघर्ष दी हमायत ते आ गई है। इस वेले सिर्फ BJP ही खेती बिलों की हमायत कर रही है, बाकी सारिया सियासी धिर भी किसानों के नाल डट गई ने। फिल्मी कलाकार गायक आड़ती समाज सेवी संस्थावां धार्मिक संस्थावां सियासी पार्टियां सब किसान संघर्ष में जुट पई ने। किसानों वालों 24 तो 26 सितंबर तक 48 घंटे रेलों रोकिया जाएगिया। इस दे नाल ही 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान भी किया गया। सूत्रों मुताबिक यह संघर्ष लंबा चलन के आसार ने क्योंकि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर खेती बिलों बारे कोई गल करने तैयार नहीं है। किसान जथेबंदियों का कहना है कि केंद्र ने राज्यसभा विच खेती बिल पास करवा के अपनी जिद पुगा ली है, पर हुण किसान इन्हां कानूनां नूं अमल विच नहीं आउण देणगे। उधर आम आदमी पार्टी वालों खेतीबाड़ी बिलों खिलाफ डट के विरोध किया गया है। इस तहत आम आदमी पार्टी वालों राष्ट्रपति तक पहुँच करके ये बिल रद्द करवाउण दी गल भी आखी गई है। आम आदमी पार्टी ने आख्या कि अकाली दल ने खेतीबाड़ी आर्डीनेंसां दा पूरा समर्थन किया, पर जदों देखिया कि पंजाब दा किसान खेत मजदूर आड़तीए सारा पंजाब इसका विरोध कर रहा है तो इन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। इस तो बाद ही अकाली दल इन्होंने बिलों खिलाफ नितरिया ते हरसिमरत बादल का अस्तीफा दवाया। दूजे पासे स्कूल सिक्ख्या ते लोक निर्माण मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने आड़तिया भाईचारे नूं केंद्र सरकार वल्लों लियांदे 3 नवें बिलों का जोरदार विरोध करन लई प्रेरित करदिआं आख्या कि इन्हां बिलों नाल मोदी सरकार आड़तिए ते किसानां दा गला घुटना चाहुंदी है। कैबिनेट मंत्री ने आख्या कि इन्हां बिलों के लागू होने नाल सिर्फ पंजाब के ही 7 लाख लोगों का रुजगार खुसेगा क्योंकि इन्हां दी वजह करके अनाज मंडियां दे खत्म होने का वड्डा खतरा है। देश विच कोरोना महामारी रोज नवे रिकॉर्ड बना रही है। उत्थे सरकार हालात ठीक करने की कोशिश में जुटी हुई है। हौली हौली जिंदगी नूं पटड़ी ते लियाउण दी कवायद भी हो रही है। कोरोना संकट दरमियान अनलॉक 4 की प्रक्रिया विचाले कई चीज़ों च छोट मिलन जा रही है, जिस तहत अज तो संस्कृतिक मनोरंजन धार्मिक सियासी अते समाजिक प्रोग्रामों विच 100 लोगों नूं मास्क ला के शामिल होने की इजाजत होगी। इस दौरान समाजिक दूरी बनाई रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध अते सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। ओपन एयर थिएटर खोलन की इजाजत भी दी जा सकती है। उत्थे ही देश के 10 सूबियां च सावधानी के नाल 9वीं तो 12वीं जमात तक के विद्यार्थियों लई स्कूल भी खोले जा रहे हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, करनाटक, मेघालय, नागालैंड च अज 50% स्कूल खोल जाएंगे। मापियां की लिखती इजाजत से ही विद्यार्थी स्कूल आ सकते हैं। मास्क ते सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी होगी। स्कूल गेट ते थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। सरकारी नियमों मुताबिक सिर्फ उन्हां स्कूलों कालजां नूं चलाउण की इजाजत है जो कंटेनमेंट जोन तो बाहर ने। स्कूल प्रबंधकों नूं इस गल दा खास ख्याल रखना पवेगा कि विद्यार्थी किताब, कॉपी, पेन अते पेंसिल जिहियां चीज़ां एक दूजे नाल सांझियां ना करन। जेकर हालात ठीक रहिंदे ने तां बाकी जमातां शुरू करन ते भी विचार कीता जा सकदा है। उधर पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह विभाग के निर्देशों की पालना करदिआं अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों विच अंशिक सोध करदिआं 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों नूं सिर्फ कंटेनमेंट जोन तो बाहर वाले खेतरां विच स्वै इच्छा के अनुसार स्कूल जाण की आग्या दित्ती है। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई विभाग वालों 8 सितंबर 2020 नूं जारी म्यारी संचालन प्रक्रिया मुताबिक 21 सितंबर 2020 तो विद्यार्थियों नूं अपने मापियां दी लिखती सहमति तो बाद ही ये इजाजत दित्ती जाएगी। जिथे खेती बिलों के विरोध विच किसान सड़कों ते उतर के विरोध कर रहे ने, उत्थे ही प्रधानमंत्री मोदी का आखना है कि खेतीबाड़ी बिल द्वारा किसानों नूं आजादी मिली है। किसान जिथे चाहे अपनी फसल नूं वेच सकते ने। PM मोदी ने यह भी आख्या कि नवे किसान कानूनों नाल ना तो खेतीबाड़ी मंडियां खत्म होणगियां ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
प्रधानमंत्री ने आख्या कि पिछले 5 साल दौरान हुई सरकारी खरीद की गिनती 2014 तो पहला 5 साल हुई सरकारी खरीद की गिनती इस गल की गवाही दिंदी है कि खेतीबाड़ी खेतर विच सुधार होया। राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू वालों हंगामा करन वाले 8 संसद मैंबरों नूं 7 दिनों लिए सस्पेंड करन की खबर सामने आई है। संसद मैंबरों ने खेती बिल के विरोध च वैल विच आ के रूल बुक पाड़न का यतन किया। राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने सख्त कार्रवाई करदे हंगामा करन वाले 8 मैंबरों नूं 7 दिनों लिए सस्पेंड कर दिता है। राज्यसभा विच इस तरह का हंगामा पहली बार देखने को मिला। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति नूं अपील की है कि वह खेती बिलों नूं मंजूरी ना देण अते इन्हां नूं नज़रसानी लई संसद नूं वापस भेज देण। बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं किसानां मजदूरां आड़तियां मंडी मजदूरां अते दलितां दे नाल खड़े होने की अपील भी की है। अकाली दल के प्रधान ने आख्या कि बिल पास होना देश के करोड़ां लोकां अते लोकतंत्र लई मायूसी वाली गल है। साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विच श्रोमणी अकाली दल का वफद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दे नाल मुलाकात भी करेगा। चीन नाल दो हथ कर रहा अमरीका हर वो कोशिश कर रहा है जिस नाल चीन नूं नुकसान पहुंचाया जा सके। टिकटॉक जिसते के भारत पहला ही पाबंदी लगा चुका है हुण उसनूं अमरीका भी बंद करन लई तैयार है। हालांकि पहला इसनूं अमरीका कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वालों खरीदया जाना सी पर टिकटॉक ने उसनूं छड्ड के किसी होर कंपनी नाल सौदा करन दी गल कही सी। राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सितंबर तो टिकटॉक मुकम्मल तौर पर बंद करने की गल आखी सी पर हुण ट्रंप ने इसनूं 27 सितंबर तक की मोहलत दे दी। पाकिस्तान च ग्रंथी दी धी नूं अगवा करके इस्लाम कबूल करवाउण दा मामला सामने आउण तों बाद श्रोमणी अकाली दल अते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इत्थे पाकिस्तान दे दूतावास बाहर रोस प्रदर्शन करके पाकिस्तान विच सिखां उपर हो रहे जुल्मां विरुद्ध आवाज़ बुलंद कीती गई है। प्रदर्शन करने वाले सिखां वालों इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान च सिख भाईचारे ते अत्याचार किया जाता है। इन्ना ही नहीं पाकिस्तान च 50 तो ज़्यादा हिंदू सिख बच्चियां नूं अगवा करके धर्म परिवर्तन करवाया गया है। दस दईए कि पाकिस्तान विच सिख लड़की पिछले कुछ दिनों तो लापता है। लड़की का पिता गुरद्वारा पंजा साहिब विच ग्रंथी है। उसने सोशल मीडिया से इस घटना का खुलासा भी किया है। आगुआ ने मांग की है कि श्री पंजा साहिब के मुख ग्रंथी की 17 साल धी नूं अगवाकारां दे चुंगल विचों सुरक्षित कढ़ के मापियां दे हवाले किया जाए। मनजिंदर सिरसा ने विदेश विभाग नूं मामले विच दखल देने की मांग भी की है। दस दईए कि इस घटना तो पहला भी ननकाणा साहिब के ग्रंथी की बेटी नूं अगवा किया गया सी। पाकिस्तान विच घट गिनतियां उत्ते अत्याचारां दीआं घटनावां दिनों दिन वधदियां ही जा रहियां ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैनूं सवलीन कौर जसड़ नूं दिओ आग्या। धन्नवाद।